अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल कम टू फोर में। आज की जो हमारी क्लास है वो है वर्ड के हवाले से पेज लेआउट। पिछली क्लासेस में हमने होम इंसर्ट डिज़ाइन मेन्यू को डिस्कस किया था और आज का जो हमारा ऑप्शन है यानी कि जो फोर्थ वीडियो हमारी है वो पेज लेआउट के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने करना क्या है, पेज लेआउट में हमें जो पहला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है मार्जिन का। उसके बाद यहाँ पर कुछ ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम और पेज ब्रेक, लाइन नंबर्स और हाइफिनेशन का ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो वन बाई वन इसे हम कर लेते हैं डिस्कस। सबसे पहले जो हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने मार्जिन के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये नॉर्मल वाला जो यहाँ पर मार्जिन आ रहा है वो सिलेक्ट हुआ होगा, यानी कि जिसके पास हमारे पास टॉप पे 1 इंच, लेफ्ट में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच और राइट में 1 इंच का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो हमारा मार्जिन यहाँ पर सेट हुआ है, ठीक है, जैसे कि राइट में, लेफ्ट में, टॉप में यहाँ पर हमारे पास मार्जिन एक सेट हुआ है और इसी तरह हमारे पास बॉटम में भी, यानी कि इस ये जो हमारा मार्जिन सेट हुआ है, ठीक है, इसके हम बाहर अपना कोई भी काम नहीं कर सकते। जो हमें ये मार्जिन मिला हुआ है इसके अंदर ही रहते हुए हमें क्या करना है, काम करना है, यानी कि जो मेरा टैक्स है वो इस मार्जिन के ना ही लेफ्ट की तरफ जा सकता है और ना ही राइट की तरफ, ना ही टॉप पे, ना ही बॉटम में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेटिंग। अगर मैं यहाँ पर एक डमी टैक्स लूँ, ठीक है, यहाँ पर देखें ये जो मेरा डमी टैक्स आ रहा है ये हमारे इस मार्जिन के बाहर नहीं जा रहा है, ये देखें, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखलाऊँ ये भी नहीं जा रहा है इस मार्जिन के बाहर। तो यानी कि मार्जिन का काम क्या होता है कि जो हम अगर मार्जिन सेट कर लें तो जो हमारे पास बीच यानी कि जो बॉडी बचती है हम उसी के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर टॉप में भी एक मार्जिन लिया हुआ है तो इस टॉप के ऊपर भी हमारा कोई भी टैक्स नहीं जा रहा है। अगर हमें अपने मार्जिन को सेट करना हो, यानी कि हम चाह रहे कि हमारा टैक्स यानी कि बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो या बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हमें मार्जिन में जाके सेटिंग करनी होगी। किस तरह, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से नैरो मार्जिन को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हमारा क्या हो चुका है, हर तरफ से गैप 0.5 इंच का हो चुका है, टॉप से भी, बॉटम से भी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास लिखकर भी आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि वाइट के, मॉडरेट के, यहाँ पर हर एक मार्जिन यहाँ पर देखिए अलग अलग सेट हुआ हुआ है टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में। तो आपको अगर इनमें से कोई सा भी मार्जिन को चूज करना है अपने काम के मुताबिक तो आप यहाँ से अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कस्टम मार्जिन का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप अपने मर्जी से टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट के ऊपर मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टॉप में भी 2 इंच चाहिए, बॉटम में भी 2 इंच, लेकिन लेफ्ट और राइट में 0.5 चाहिए, तो सिंपल हम यहाँ से आने के बाद टॉप और बॉटम में हमने यहाँ से 2 इंच कर लिया और लेफ्ट और राइट में हमने 0.5 ही रहने दी और देन ओके करते हैं। तो देखें यहाँ पर गैप हमारे पास आ चुका है 2 इंच का, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपके पास इस मार्जिन के अंदर जिस पेज के ऊपर आप काम करना चाहते हैं वो अगर आपके पास ये पेज मार्जिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप कस्टम मार्जिन के ऊपर जाके अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से दोबारा से नॉर्मल चूज कर लेता हूँ जो कि वर्ड का हमारा डिफॉल्ट है। तो ये काम होता है हमारे पास मार्जिन का जो कि पेज लेआउट मेन्यू बार के अंदर होता है। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है ओरिएंटेशन का, पेज ओरिएंटेशन। हमारे पास दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक होते हैं पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट अगर मैं आपको दिखलाऊं, अगर मैं अपने पेज का जूम आउट करूं तो देखें हमारे पास ये कुछ इस तरीके का जो है ना पोर्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि जिसकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ क्या है, कम है। और अगर मैं इसको ओरिएंटेशन को चेंज करूं लैंडस्केप पे तो हमारा पेज 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाता है, जैसे कि जो हमारे पास जो विड्थ वाली एरिया होती है वो हाइट पर आ जाती है और जो हाइट वाला एरिया होता है वो विड्थ में चले जाते हैं। तो ये हमारा होता है ओरिएंटेशन। अब देखिए ये हमारे पास लैंडस्केप पेज आ चुका है और उस वक्त हमारे पास यहाँ पर पोर्ट्रेट था। तो आपको अगर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप पेज के ऊपर काम करना है तो आप सिंपल पेज लेआउट में आने के बाद ओरिएंटेशन में जाएं और यहाँ से अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। इसी तरह यहाँ पर अब जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है साइज का, साइज यानी कि पेपर साइज। ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कौन से पेपर यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट साइज पे काम करना है। हमारे पास बहुत सारे पेपर साइज होते हैं, पेज साइज होते हैं, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास पेजेस के साइजेज आ रहे हैं जैसे कि A3, A4। अभी जो हमारा डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ होता है वो होता है लेटर। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं लीगल के, A4 के, A5 के, A3 के, जो कि बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादातर पेज यही इस्तेमाल हो जाता है A4 का और लीगल और लेटर।
आपने चूज कर लेना है कि आपको किस पेज के ऊपर काम करना है, यानी कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हो तो आप किस पेज के ऊपर टाइप करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हमने यहाँ से अपने पेज को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपके पास यहाँ पर पेज साइज़ वो नहीं आ रहा है जो कि जिसके ऊपर आपने काम करना है, तो आप सिंपल यहाँ पर वॉल पेपर साइज में जाके यहाँ से आप अपनी विड्थ और हाइट को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी विड्थ और हाइट होगी उस पेपर साइज़ की जिसके ऊपर आपको काम करना है, आप यहाँ पर टाइप करके वो पेपर साइज़ आप अपने स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, यानी कि इंसर्ट करवा सकते हैं। सिंपल यहाँ पर हमने कुछ भी टाइप कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 6, विड्थ में मैंने 6 लिया और हाइट में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 8, ठीक है, अपने मर्जी से ले रहा हूँ, जो कि हमारे पास इस साइज़ के ऑप्शन में नहीं था। अब देखें यहाँ पर मेरे पास कस्टम साइज़ आ गया है लिखा हुआ, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल कस्टम साइज़ है। देन ओके करेंगे तो देखें हमारे पास पेपर आ चुका है 6x8 का, यानी कि 6 विड्थ है और 8 क्या है इसकी हाइट। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अंडू। फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कॉलम्स का। कॉलम्स क्या होता है, कॉलम्स ये करता है कि हमारे पेज को जो है ना, जो हमारा टेक्स्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह होता है उसको कॉलम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप ये समझे हमारे पास एक ही कॉलम है जो कि हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ। अगर हमें न्यूज़पेपर वगैरह कोई ऐसी चीज़ टाइप करनी है डिफरेंस बिटवीन वाली, तो सिंपल हम यहाँ से कॉलम्स में आके अपने पेज को डिवाइड करवा सकते हैं 2 से 3 कॉलम में। अगर मैं यहाँ से 2 प्रेस करूँ तो देखें यहाँ पर मेरे पास जो टेक्स्ट है मेरा 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अगर मैं यहाँ से 3 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से 3 में भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ रहे हैं लेफ्ट के, राइट के और मोर कॉलम्स, यानी कि अगर मुझे 4 कॉलम्स चाहिए तो मैं यहाँ से 4 कॉलम्स भी आके कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम ज़्यादातर एमसीक्यूज में भी आ रहे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर। एमसीक्यूज आपके पास सबसे पहले ऊपर क्वेश्चंस आ रहा होता है और नीचे आपके पास जो मल्टीपल आंसर आ रहे होते हैं वो इसी तरह कॉलम वाइज आ रहे होते हैं आपके स्कूल के पेपर्स वगैरह। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कॉलम्स को पेज लेआउट में जाने के बाद। यहाँ पर मैं सिंपल दोबारा से यहाँ पर 1 कॉलम कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर जो मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ब्रेक का, लाइन नंबर्स और हाइफिनेशन। ये क्या काम करता है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मुझे पेज ब्रेक करना हो अपना कहीं से भी, मिसाल के तौर पर जो मेरा पहला पैराग्राफ है ना, यहाँ से मुझे अपना पेज ब्रेक करना है, यानी कि जितना भी नीचे वाला डॉक्यूमेंट है वो कहाँ चले जाए, मेरे अगले पेज पर आ जाए। तो सिंपल उसके लिए मैं यहाँ पर अपना माउस कर्सर रखूँगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पर जाना है इस पेज ब्रेक में, जहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, पेज के आ रहे हैं, कॉलम टेक्स्ट रैपिंग के आ रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पेज के कंटिन्यूस आ रहे हैं, इवन पेज और ऑड पेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पेज पे क्लिक करूँ तो देखें ये मेरा यहाँ पर पहला पैराग्राफ था, उसके नीचे जितना भी मेरे पास पैराग्राफ था वो कहाँ पर चले गए, मेरा एक नेक्स्ट पेज पे चले गए, यानी कि पेज ब्रेक हो गया। इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर कॉलम्स का, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉलम्स को चूज करना होगा, जैसे मैंने 2 कॉलम चूज किया। अब अगर मैं यहाँ से अपने कॉलम को ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैं ब्रेक में जाऊँगा और यहाँ से कॉलम, ठीक है, मेरा कॉलम भी हो चुका है ब्रेक। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन आ रहे हैं, ड्रॉप टेक्स्ट के, टेक्स्ट ड्रॉप के, नेक्स्ट पेज के, कंटिन्यूस, ये आपने खुद से अप्लाई करके देख लेना है कि कौन से ऑप्शन से क्या काम हो रहा है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो 2 ऑप्शन यहाँ पर काम के, एक पेज के और एक कॉलम के। सिंपल इसको मैं दोबारा 1 कॉलम कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ना पेज लेआउट के अंदर, जो मेरे पास एक पैराग्राफ का ग्रुप आ रहा है, इसके अंदर मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक इंडेंट के और एक स्पेसिंग के, ठीक है। स्पेसिंग का हमें क्या काम है भाई, अगर हमें स्पेसिंग लेना हो अपने पैराग्राफ या लाइनों के बीच में, तो एक तो मैंने आपको ऑप्शन बताया था होम टैब में, जब हम होम टैब को डिस्कस कर रहे थे, तो अगर आपने होम टैब की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके होम टैब की भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब मैं अगर यहाँ पर एंडेड और स्पेसिंग की बात करूँ, ये वही ऑप्शन है जो कि हमने होम टैब के अंदर भी डिस्कस किया था। अब देखिए एंडेड में क्या होता है, अगर मुझे लेफ्ट में या राइट से स्पेस चाहिए, देखिए यहाँ पर मैं स्पेसिंग लेता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट की तरफ से स्पेस आ रहा है हमारे कहाँ पर भाई, इस पैराग्राफ में। और अगर मैं राइट से भी लूँ, ये देखें मैंने राइट से भी ले लिया स्पेस, तो ये हमारा काम होता है स्पेसिंग का, इंडेंट वगैरह का। इसी तरह अगर मैं स्पेसिंग लूँ यहाँ से, ये देखें अभी मेरे पास आफ्टर 8 है, अगर मैं बिफोर 8 करूँ तो क्या होता है भाई, देख लेते हैं। ये देखें आ रहा है भाई स्पेस, यहाँ पर आप जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है आप इसको देखें, ये देखें स्पेस आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका ज़्यादातर काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑप्शंस था तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया, ठीक है। इसका हमें ज़्यादातर काम नहीं होता। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ कि वापस हमारे पास बिल्कुल पहले की तरह आ जाए, अंडू हो जाए, कंट्रोल जेड, ये देखें यहाँ पर मेरे पास पहले की तरह आ जाए, क्लियर है।
अब लास्ट ग्रुप के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है उस ग्रुप का नाम है अरेंज। इसके अंदर हमारे पास 6, 7, 8 ऑप्शन आ रहे हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं और आज की वीडियो को एंड करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है पोजिशन, रॉप टैक्स, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन ग्रुप और रोटेट। वन बाई वन इसे क्लियर करते हैं। इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए जो है ना हमें करना ही होगा, इंसर्ट्स में जाना होगा, शेप में जाना होगा और यहाँ से कोई भी एक सबसे पहले हमें इसको ड्रॉ करनी होगी अपने शेप में। सिंपल मैंने यहाँ से कर ली इसको ड्रॉ। अब जैसे ही मैंने ड्रॉ किया ना तो देखिए मेरे पास जो फॉर्मेट का एक ऑप्शन ओपन हो चुका है और एक यहाँ पर पेज लेआउट में भी वही ऑप्शन आ रहा है जो कि फॉर्मेट में आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ से पेज लेआउट से समझा देता हूँ। पोजिशंस क्या है भाई, यहाँ से पूछ रहे कि आपको इस जो आपका जो ऑब्जेक्ट है आपको किस पोजिशन के ऊपर सेट करना है। क्या आपको लेफ्ट टॉप लेफ्ट में सेट करना है इसे, क्या आपको टॉप राइट में इसे सेट करना है या टॉप सेंटर में। ये बिल्कुल सेंटर एंड सेंटर में, तो देखें ये हमारी पोजीशन है ठीक है। ये देखें अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो देखिए ये मेरा जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है वो खुद का खुद सेट हो रहा है, क्लियर है। तो इसको मैं अपने कर्सर की मदद से यानी कि माउस को इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको कहीं पर भी अपनी मर्जी से मैं मूव करवा सकता हूँ ठीक है। इसी तरह ड्रॉप टेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, अभी मैंने यहाँ पर स्क्वायर चूज किया हुआ, तो स्क्वायर का मकसद क्या है भाई, देखें यहाँ पर अगर मैं अपना टेक्स्ट लेके अपना ये जो शेप है वो कहीं पर भी एडजस्ट कर रहा हूँ ना तो टेक्स्ट खुद ना खुद एडजस्ट हो जा रहा है ठीक है। देखें यहाँ पर टेक्स्ट मेरा ये वाला लाइन सेंटर से हट के इस यहाँ पर आ चुका है ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये देखें ये खुद ना खुद क्या हो रहा है, टेक्स्ट मेरा सेट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से रॉ टेक्स्ट के अंदर बिहाइंड टेक्स्ट कर दूँ तो बिहाइंड टेक्स्ट से क्या होता है हमारा शेप कहाँ चले जाएगा इस टेक्स्ट के पीछे, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूँ तो हमारा कहाँ पर आ जाएगा शेप टैक्स के ऊपर ठीक है। तो ये हमारा काम होता है भाई अरेंज के अंदर रैप टैक्स का, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह मैनेज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का मतलब क्या है, मैं यहाँ से एक और इंसर्ट शेप को इंसर्ट करवाता हूँ, कलर इसका मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ ठीक है। ये यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे इस वाले शेप को फ्रंट पे लाना है इस वाले शेप से, तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड में आने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो मेरा शेप इस वाले शेप के ऊपर आ जाएगा। पीछे भेजना है मुझे तो मैं यहाँ से सेंड बैकवर्ड की मदद से सेंड टू बैक करूँगा तो मेरा शेप पीछे चले जाएगा। ये काम होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो कि आपको पता ही होगा। सिलेक्शन पेन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, हमारे पास एक राइट साइड की तरफ जो है ना यहाँ पर हमारे पास एक सिलेक्शन का पूरा पैनल आ जाता है जहाँ पर जितने भी हम शेप हमने लिया है वो सारे शेप आ रहे हैं, जैसे कि ओवल 2 आ रहा है और रेक्टेंगल 1। अगर हमें हाइट करना हो इस शेप को तो यहाँ पर देखिए आई बटन आ रहा है, इसको हम हाइट करवा सकते हैं अपने पेज से। पेज में तो है लेकिन ये हाइड हो चुका है। अगर हमें क्या करना है भाई, हम यहाँ से भी काम कर सकते हैं। अभी हमारा ओवल कहाँ है, इस रेक्टेंगल के ऊपर है तो इसलिए हमें ऊपर ये दिख रहा है। अगर हमें इसको नीचे लेके जा रहा तो सिंपल इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो शेप हमारा कहाँ चले जाएगा, इस रेक्टेंगल 1 के पीछे। इस तरीके से हम यहाँ से भी इसको मैनेज कर सकते हैं सिलेक्शन पेन की मदद से। अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, अगर हमें अलाइन सेंटर करना हो, अलाइन टॉप करना हो तो यहाँ से हम सारे अपने अलाइन को सेट करवा सकते हैं। ग्रुप अगर हमें बनाना हो इन दोनों का, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके, देखें इसको मैंने सिलेक्ट किया, अभी रेक्टेंगल 1 हुआ है सिलेक्ट। अगर मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को भी मैंने सिलेक्ट किया इस सर्कल को, तो देखें यहाँ पर दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं और ग्रुप का भी ऑप्शन मेरे पास ओपन हो चुका है, मैंने इसको बना दिया ग्रुप। अब ये दोनों ये जो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, एक साथ देखें मूव हो रहे हैं। रोटेट का मकसद क्या होता है आपको पता ही होगा, अगर मुझे रोटेट करवाना हो तो ये देखिए सारे हम इस तरीके से रोटेट करवा सकते हैं ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी पेज लेआउट के हवाले से, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया, और जो भी समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।